हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जामुन का पेड़ हमारे चैप्टर का नाम है, जो कि क्लास 11th आरोह भाग 1 से हमने लिया है और ये चैप्टर नंबर 7 है। तो इस चैप्टर से हम NCERT के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज जो हम जिस टॉपिक से क्वेश्चन को यहाँ कवर करेंगे वो है भाषा की बात, और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है कृष्ण चंद्र जी। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपने इन क्वेश्चन आंसर्स को। तो जो क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे वो है कि इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। ये है एक संयुक्त वाक्य है जिसमें दो स्वतंत्र वाक्यों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ा गया है, और संयुक्त वाक्य को इस प्रकार सरल वाक्य में बदला जा सकता है कि इसकी चर्चा शहर में फैलते ही शाम तक गली गली में शायर जमा होने शुरू हो गए। अब जो ऊपर सेंटेंस दिया गया स्टूडेंट्स, इसमें दो सेंटेंस थे कि इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई, एक तो ये सेंटेंस था, और दूसरा शाम तक गली गली में शायर जमा होने शुरू हो गए। लेकिन इसको हमने एक सरल वाक्य में कैसे बदला कि शहर में चर्चा फैलते ही शाम तक गली गली में शायर जमा हो गए। तो पार्ट में से पांच संयुक्त वाक्यों को आपने चुनना है और उनको आपने सरल वाक्यों में बदल देना है। तो उत्तर होगा, जो पहला इसमें संयुक्त वाक्य का उदाहरण है वो है कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। तो यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य है। एक वाक्य तो इसमें ये है कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दिया, और दूसरा वाक्य है कि इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। अब इन दोनों ही वाक्यों को उसने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है, इसी वजह से संयुक्त वाक्य बना। तो इसको जब सरल वाक्य में बदला जाएगा तो वो इस तरीके से वाक्य बनेगा कि प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने का हुक्म देकर घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। तो इस तरीके से हमने दो अलग अलग संयुक्त वाक्यों को हमने एक सरल वाक्य में बदल दिया। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट संयुक्त वाक्य की तरफ। तो जो दूसरा संयुक्त वाक्य है वो है, जामुन का पेड़ क्योंकि एक फलदार पेड़ है इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब ये दो वाक्य हैं, एक तो जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है और दूसरा ये पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इन दोनों को ही एक करके यहाँ पर संयुक्त वाक्य में बदल दिया गया है। लेकिन अगर हम इसका एक ही सरल वाक्य बनाएं तो ये बनेगा कि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ होने के नाते हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल एक ही सेंटेंस है, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये दो वाक्यों को मिलाकर बनाया गया एक वाक्य है। अब हमने इन दो वाक्यों को एक ही वाक्य में बदल दिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो वो है, इसमें जो पहला वाक्य है वो है कि एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई, और जो दूसरा है वो ये है कि उसने मालिक को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। अब इन दोनों को मिलाकर एक ही सेंटेंस बना दिया गया कि एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने मालिक को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। अब यहाँ पर जो दो सेंटेंस है उसको हम एक ही सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे कि एक पुलिस वाले कांस्टेबल ने दया करके मालिक को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। तो इस प्रकार से हमने इस संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदल दिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो वो है, आधा आदमी उधर से निकल जाएगा और पेड़ वहीं की वहीं रहेगा। अब ये दो सेंटेंस अलग अलग थे जिसको मिलाकर संयुक्त वाक्य बना दिया गया, लेकिन इसको जब हम सरल वाक्य में बदलेंगे तो वो इस तरीके से बदलेंगे कि आधा आदमी उधर से निकल आने पर पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। इस तरीके से हमने इस संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदल दिया। तो बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ संयुक्त वाक्य की तरफ। सेक्रेटरी अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट पहुंचा, और दूसरा जो सेंटेंस इसके साथ संयुक्त किया गया वो है कि दबे हुए आदमी से इंटरव्यू और वो लेने लगा। तो यहाँ पर दोनों ही वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया कि सेक्रेटरी अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। लेकिन जब हम इसको सरल वाक्य में बदलेंगे तो वो इस तरीके से बदलेंगे कि सेक्रेटरी अपनी गाड़ी में सवार होकर दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने सेक्रेटरिएट पहुँच गया। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम
हमने इन 5 संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्यों में बदला। उम्मीद है ये आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन की वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।